हिंसा की लपटों में घिरा हुआ ललनपुर एक ऐसा शहर है जहाँ सुबह की किरण रोज एक नया आतंक लेकर आती है। यहाँ लोग जुबान से कम और हथियार से ज्यादा बोलते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा जुर्म और गुनाह को लाई चना और चुरमुरा की तरह बचपन से चबाने लगता है। उन्हें गुल्ली डंडा खेलने आए चाहे ना आए, लेकिन कट्टा हर कोई चला लेता है। ये एक ऐसी बारूदी जमीन है जहां अनाज के साथ साथ कातुस भी पैदा होते हैं। यहां बंदूकें सिर्फ मौत का पर्याय ही नहीं बल्कि जीने का साधन भी है। यहां हर इंसान को जीने की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इन गुनाहों के बादलों से घिरे हुए ललनपुर में एक ऐसा देवता भी रहता है जिसके नाम तक से यहाँ के लोग कांपते हैं, मगर मेरा दिल बस उसी के नाम से धड़कता है। उस गुनाहों के देवता का नाम है भैया जी, ए मालिक, भैया जी, सुनो ना मालिक, भैया जी, आओ जल्दी भैया जी, ए मालिक, बोलिए ना गेटवा सनी, सुनिए ना सरकार, हमें भैया जी से मिलना है, बोलिए ना दरबार। बबुआ जी से मिलाए दो। भैया जी,
दादा कैसे कहें इनसे। कमीनों ने तार तार कर दी जितिया हमारी। शरण आए आपके भैया जी। वो बेटा महाराज के गुंडे थे, ये सब और सरजू नोरी डाले हमरी बिटिया को लाश बना दी जीते जी इसको। देखिए का हालत की हमरी बिटिया का। कितना का हालत की हमरी बिटिया का। बहुत दिन से अखिया गड़ाए हुए थे और आज चुचवा भी गड़ा दिए। हम बेबा और कुछ नहीं कर पाए। उजाड़ दिए हरामी हमको। भैया जी हम कभी राखी तो नहीं बांधे हैं आपको, पर हम भी आपकी बहन जैसे ही है ना। भैया जी बहुत खिड़खिड़ाए हम उनके सामने, फिर भी तरस नहीं खाए हमरे ऊपर। उनको छोड़िएगा मत भैया जी, उनको नहीं छोड़िएगा। ये तो ये मोहल्ले की कोनो भी लड़की को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। भैया जी वो सालिम हमका धमकी दे गए, कल शाम हमरी बिटिया को उठाई के लाल मंडी के कोठे पे बैठा ही देंगे। भैया जी वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। भैया जी बचा लीजिए हमारी बिटिया को।
अपनी बिटिया को लेके घर जाइए, अच्छू नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ आइए। का हथियार लाने गए हैं कि चांद से अंतरिक्ष यान उतारने गए हैं बे? ससुरे कब तक आएंगे? भैया जी कल सवेरे 9 बजे तक हथियार यहाँ पहुँच जाएगा। पापा वो चौरसिया बिल्डर की यहाँ से फोन था, कह रहे थे कि भैया जी उनसे भी रुपया मांग रहा है। ये भैया जी का कुछ सवेरे सवेरे सांप और शैतान का नाम नहीं लिया करते, न जाने कब प्रकट हो जाए। लक्ष्मी गणेश का नाम लो बेटा, और फिर अविदेशवा अगर चौरसिया से रुपया डिमांड कर रहा है तो फिर हमसे का, हमें अपन कमीशन चाहिए बस। कोई चाहे जितना रुपया ले सुन ले, ये बात जाके चौरसिया को बता देना तुम। जी पहले हाथ धो लेते तो क्या? मम्मी क्यों पापा के हाथ धुलाती रहती हो बार बार तुम? हाँ ते बड़े इंजीनियर की बीवी हो, कुछ तो टिप टॉप रहना सीखो, थोड़ा सा ढंग से रहना सीख लो। अब नहीं समझोगे तुम। हम चिराग राय आज ये कसम खाते हैं कि हम आपको कल अंग्रेजी फिल्म दिखाने लेके जाएंगे, जरूर जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ये घूंघट डालने वाली और ये हाथ धुलाने वाली औरतें दुनिया में कितनी कितनी बेकार और पिछड़ी हुई होती है। यो बाबा लेके जाओ ना मम्मी को। चल थल से एक छापर देंगे तो थल से मुद्दोगे। अरे बड़बक इतना भी नहीं समझते हैं कि भैंसिया पे पाउडर डालने से वो गैया नहीं बन जाती है? अब तुम कहाँ खड़ी हो? हटोगी या तुम्हें उठवाने के लिए क्रेन बुलवाई जाए? जी आज हमरे बाबूजी की पुण्यतिथि है, तो
तो उस मनहूस की पुण्यतिथि मनाएगी जो तुझको हमरे पल्ले से बांध के चला गया। देख सुबह सुबह हमारा दिमाग मत चाट, कह देते हैं वरना तोहरी और तोरे बाप की पुण्यतिथि एक कोई दिन मना देंगे और ले जाके प्रसाद खिलाएंगे छत पे कौओं को, समझी का? अरे बुद्धि हुई गई है लेकिन अकल जरा भी नहीं आई। घूरा ससुरी। कहा मम्मी इस परोठे पे मक्खन कौन लगाएगा? नाना जी आएंगे ऊपर से, पुण्यतिथि है ना उनकी। तो पापा सही करते हैं तुम्हारे साथ, तो बात बात पे चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तभी तुम ठीक रहती हो। अरे फिर भी ठीक कहाँ रहती है, एक नाली के कॉन्ट्रैक्ट में जितना कमीशन मिलता है ना बेटा, उतना भी दहेज नहीं दिया इसके बाप ने। पुण्यतिथि मनाएगी, अरे उस बेईमान के लिए हमारे घर का घी बत्ती खर्च करेगी। अरे इंजीनियर थे हम, साला बड़ा बड़ा रिश्ता आ रहा था हमारे लिए, मगर हम क्या करें, हमारी किस्मत में तो ये भाईस बुद्धि लिखी हुई थी। इस मनहूस को काम की कोई चीज याद नहीं रहती, पर बाप की पुण्यतिथि जरूर याद रखेगी। अब आप रहने दीजिए ना पापा, ये किसके सामने बीन बजा रहे हैं आप? शर्मा जी का क्या हुआ? हाँ वो शर्मा जी से हमारी बात हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट का 35% कमीशन तय हुआ है, हैं? तुम फोन कर देना और उनसे एडवांस भी ले लेना। और हाँ यहाँ वो अखबार में हमने पढ़ा है कि कुछ नए टेंडर्स वगैरह निकल रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम एक बार उसको ध्यान से देख लो। कहाँ है अखबार? कॉलेज चले? वैसे आपको देखते हुए जब भी हमें कोई टोकता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे फूलों पर बैठी ढेर सारी तितलियों को किसी ने पत्थर मारकर उड़ा दिया। अर्पिता दरवाजा खोलो। आ रही हूँ। अखबार को जलाकर फ्लश करने का भी समय नहीं है। यहाँ भी नहीं। अर्पिता दरवाजा खोलो। अरे कॉलेज नहीं जाना है क्या? जल्दी दरवाजा खोलो। अरे अभी तक क्या कर रही हो? वो आ ही रहे थे, तैयार हो रहे थे ना। बेटा वो आज का अखबार कहीं देखा? कहीं मिल नहीं रहा है। तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अखबार? नहीं तो कहीं नहीं देखा। अरे
यहाँ तो सारी जगह भरी हुई है, अब हम इसे कहाँ लगाएं? तो क्या इसे फ्रेम करके अपने बिस्तर के सिराने रख ले? अरे नहीं, बिस्तर के सिराने तो रख नहीं सकते। अगर बाप भाई ने देख लिया तो कच्चा चबा जाएंगे हमें। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारे बाप भाई ने कोई राक्षस हो। राक्षस जब देखो तब तब धमकाते और मारते पीटते रहते। बस एक आप ही है जिनके सामने हमारे पापा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और इसलिए आप हमें इतने अच्छे लगते। इसी वजह से हमने आपकी तस्वीर अपने दिल के भीतर सबसे ऊंची जगह पर छुपा कर रखी, ताकि आसमान भी आपको सर उठाकर देखे। लेकिन अवधेश जी, हमें ना एक शिकायत है आपसे। हम रोज आपकी तस्वीरों से मिलते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कब आपसे आमने सामने मुलाकात होगी, और आप है कि हमसे मिलना ही नहीं चाहते। अच्छा अवधेश जी, अब आप जल्दी से इन तस्वीरों से बाहर निकलकर हमारे दिल में समाइए और हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब हमें देर हो रही है, हमें कॉलेज जाना है, समझे आप? अरे बल खाती गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। अरे जब से चढ़ बा जवानी मुझ मुंडा खोजेली, जब से ले भैया मुझ मुंडा। ये मारा दहलिया उठा के भयंकर साला मुझ मुंडा गाड़ी गाड़ी बक रहा है। है मंगत? हाँ भैया। ए चुलबुलवा को बतावा हो कि जोरू और गाड़ी में क्या फर्क होता है? एक भागत है और दूसरी भगावत है। अच्छा सुमेर, दोनों से ऐश किया जाता है। और कौन खास फर्क है तो तुम बता दो, तुम तो जानकार मनाई हो, दोनों गाड़ी खूब भगाए हो, तुम बताओ। अच्छा बेटा सुनो, गाड़ी जब बिगड़ती है ना तो रुक जाती है, लो। और कहीं जोरू बिगड़ जाए तो शुरू होती है। कैसे? अरे कोनो गुंडवा में बांध दिया ओ मार बाऊ। तागड़दम बाहुबली। पायल आ गए भैया जी, पायल आ गए। हाँ भैया जी, आप ही की राह देखत रहे। क्या मस्ती मजाक ही चल रहा है कि असला वो कौन फिकर है? हाँ भैया जी, असला आ गया। आ गया? चलो।
भैया जी, इतना असला और पटाखा है ना, 6 महीना भी चलाएंगे तो ससरा खत्म नहीं होगा। ललनपुर में सारा कोनो अपने सामने खड़ा नहीं हो सकता। इरा भैया जी, एकदम ओरिजिनल। क्या बात है बेटा? महाराज, लागत है तेरी खुपड़िया पे इन्हीं गुलियों का नाम लिखा है। भैया जी, वो बेटा महाराज के गुंडे थे, लोही डाले हमारी बिटिया को। भैया जी, बहुत गिरती आए अब उनके सामने, फिर भी तरस नहीं खाए अपने ऊपर। उनको छोड़िएगा मत भैया जी, उनको नहीं छोड़िएगा। बड़ा भैया जी का थप्पड़।